धाम जय बागेश्वर धाम। दोस्तों इस समय हमें गुजरात गांधीधाम में जहां बागेश्वर गुरु जी की कथा का आज पहला दिन था। पहले ही दिन भयंकर बारिश हुई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहां पे की गई, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा खलल जरूर डाला। लेकिन यहां पर आने वाले भक्तों में ना तो कमी देखी गई, ना ही बागेश्वर गुरु जी को आने में विलम्ब हुआ। समय से आए और समय से पहले दिन की कथा पूरी करने के बाद अभी अभी यहाँ से पधारे। ये हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पे, जो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सेवा में भी हैं, तो हम इनके द्वारा यहाँ का जो आज का माहौल था और इनके जो भाव हैं बागेश्वर धाम के प्रति, वो जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहित का नाम है मेरा जी। हम रात से लगे हुए हैं, जैसे ही हमको पता चला कि भाई बागेश्वर धाम की इधर कथा होने वाली है, तो तब से हम कल रात से ही सेवा में लगे हुए थे। और सुबह अचानक से बारिश हुई, तो हम सब जितने संत हैं, जो भी है संतों और सब मिलके और कार्यकर्ता जो मिलके हैं काम कर रहे थे, तो सब सोच रहे थे कि भाई कैसे होगा, क्या करा जाए, इतनी बारिश तेज बढ़ती जा रही। हाँ, पर फिर भी सबका उत्साह बढ़ा हुआ था कि बागेश्वर बाबा आ रहे, सब ठीक हो जाएगा, सब मानते हैं दिल से। तो जैसे जैसे बारिश बंद हुई और जैसे ही एक दो घंटे में पूरा आयोजन चालू हो गया और जैसे ही शुरू हो गई 4 बजे। अच्छा, आपको अनुमान था जिस प्रकार से बारिश हुई थी, इतनी भयंकर बारिश आई थी कि ऐसा लग रहा ही नहीं था कि आज होगी या नहीं होगी, सब वही सोच रहे थे। सबके फ़ोन आ रहे थे कि भाई कितने जने के फ़ोन आ रहे थे बाहर से, होने वाली है, हम इधर बहुत से गाँव है बचा हुए, अंजार है, आदिपुर है, भूज है, सब सोच रहे थे भाई आवे नहीं आवे। हमने बोला नहीं, होने वाली है, ज़रूर होने वाली है। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी को इसकी सूचना थी कि बारिश हो रही है और संभव नहीं हो पाएगी शायद कथा? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे लिए, तो सर गांधीधाम के लिए बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, क्योंकि बागेश्वर जी जब पधारे उसी दिन बारिश हुई। दूसरी दिन जैसे ही भीड़ को ऐसा लगा कुछ होने वाला नहीं है, पर बिल्कुल इतना चमत्कार हुआ कि बहुत काफी भीड़ देखने मिली, तो बागेश्वर धाम का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है गांधीधाम में सर। यानी उनकी जो पावन चरण है, जैसे ही गुजरात गांधीधाम में आए उनके साथ बिल्कुल भी आई है और बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है। इतने दिन से इतनी तेज बारिश और धूप थी, फिर भी ये समय पे बारिश आना माना चमत्कारी बोल सकते हैं जी। कल तक बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कल हम रात को 3 बजे तक थे, कल पूरा दिन धूप थी, रात को हम 3 बजे तक थे, सुबह अचानक से ही पूरा 8-9 बजे से बारिश का माहौल लग रहा था कि भाई नहीं आएगी, पर अचानक से बहुत तेज बारिश आई, तो चमत्कार बोल सकते हैं बाबा का। कल तक हम भी बहुत देख रहे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, हीट थी, लेकिन आज बहुत ही ठंडा मौसम हो गया काफी गर्मी बाद। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आप बागेश्वर धाम से कब से परिचित हैं? हमें तो बोलो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम लोग बहुत टाइम से इनके भक्त भी है और ये गर्ग भी है और हम लोग भी गर्ग समाज से है, तो अवश्य इनका प्रोग्राम हम लोग टीवी में ज़्यादातर देखते रहते हैं। लेकिन अभी गुजरात की पावन धरती पर इनका आगमन हुआ, तो हम लोग गर्ग है उनके भाई, छोटे समझो उनके भाई, तो भी गुजरात की गांधीधाम के कच्छ की धरती में उनके पावन जो पगले यहाँ पे पड़े, तो जैसे ही सुबह में एयरपोर्ट पे आए, हमने सुना एयरपोर्ट पे आगे है, ऐसे ही उनके पावन पगले पड़ते ही सोचो पूरा स्वर्ग यहाँ पे आ गया है, पूरा स्वर्ग यहाँ पे। जैसे ही उनके पांव कच्छ की धरा में आए, तब से बारिश, मतलब ये एक चमत्कार है, चमत्कार मतलब पूरे कच्छ में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे मतलब कल तक पूरा गर्मी का माहौल था, ठीक है, पूरे एसी कूलर में सब लोग थे, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन दिनेश शास्त्री जी यहाँ पे आए और ऐसे बारिश की पूरी चमत्कार, ये इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? यानी कहीं ना कहीं चमत्कारी शक्ति उनके साथ। हाँ, चमत्कारी शक्ति 100% है, 110% दिनेश शास्त्री चमत्कारी पुरुष है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, सभी लोग कहते हैं ना, जो लोग बागेश्वर धाम से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, आराम मिलता है, उनकी जो परेशानी चलती होती है उनसे उन्हें आराम मिलता है। आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? उनको देखते हैं, उनको जैसे देखते हैं तो ऐसे जैसे भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी भगवान का हाथ है, ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बागेश्वर गुरु जी पर्चा बनाते हैं, दिन पे दरबार लगाते हैं, जो कि 28 तारीख को यहाँ भी लगेगा। जब कथा होती है तो भीड़ थोड़ी सी कम नजर आती है, लेकिन दिव्य दरबार वाले दिन वो भीड़ डबल हो जाती है। आज देखो मैं बता रहा हूँ कि बारिश का माहौल था, पूरा गांधीधाम, आदिपुर, अंजार, रापर, भुज तक बारिश हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता ही नहीं था कि बारिश के टाइम इतनी पब्लिक यहाँ पे आएगी पंडाल में। फिर भी बारिश की वजह से पूरा पानी भरा हुआ है पंडाल में, आप देख लीजिए चारों ओर कैमरा से, फिर भी यहाँ पे पब्लिक की पांव रखने की जगह नहीं है, मतलब ये लाखों में इनकी भीड़ रहती है, जहाँ पे भी पंडाल रहता है हम लोग देखते हैं। आज गुजरात में गांधीधाम में मैं गर्गवती समाज से हूँ,
मेरा नाम राजू भाई गरो है। तो पूरे कच्छ में भी हम लोग बहुत खुश है क्योंकि उनके पावन यहाँ पे पगले हुए हैं, तो पूरा माहौल खुशी से झूम उठा है कच्छ में। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं थी बारिश हुई कि इतनी भीड़ नहीं जुटेगी? लेकिन आपको लग रहा था 1000 से 2000 पब्लिक होगी, पर देखने जाए तो 10,000 से पब्लिक हो गया था। अच्छा, एक क्रेज जो चल रहा है बागेश्वर गुरु जी का, जिसमें आप ट्रेंड भी कह सकते हैं कि युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है बागेश्वर गुरु जी कथा में, युवा लोग बहुत आते हैं, तो आप क्या मानते हैं क्यों ज़्यादा जुड़ रहे हैं इनसे बागेश्वर गुरु जी? धीरेन्द्र शास्त्री जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में जो अपना सांस्कृतिक धर्म है, जो धर्म को जागरूक करने वाले, अभी पूरे इंडिया में आप देख रहे हो कि संस्कृति धर्म को लेके सनातन, पूरे सनातन धर्म को लेके चलते हैं। तो सनातन हिंदू धर्म, सनातन पूरा देश हिंदू सनातन धर्म देश है, और ऐसे ही हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे इंडिया में इनका प्रचार चल रहा है, तो पूरा इंडिया इनके पूरा चाहक हो चुका है अभी। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, अब वो अपने मंच से खुले शब्दों से कहते हैं बिना डरे बिना झुके, इसके लिए अब हम और आप उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं? सर, युवाओं को तो इतना चाहते हैं कि अभी जो बेटी है जो नशाबंदी करती है, जो कहते हैं इनसे सीख मिलती है गुरु जी से कि युवा बेटी को किस दौर पर जाना चाहिए। हिंदू युवा संगठन हो या कोई भी संगठन हो, जो गुरु जी का नियम है वो पालन करके अपन पूरा पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गुरु जी का नाम दिल से लेते तो काम दिल से ही होता है, क्योंकि बालाजी सरकार की जय। आप परिवर्तन नजर आ रहा है युवाओं में आपको? जब से बहुत आ रहा है, बहुत काफी आ रहा है, ये सब देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो सबको ऐसा लगता है जाने चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं, कि भाई कुछ तो है, कुछ नहीं वो सब कुछ बालाजी की कृपा है। बालाजी ने आज बताया पंडाल में, उनका जो कथा चल रहा था उन्होंने बताया कि भगवान, लोग बोलते भगवान नहीं है, लेकिन वो बोलते भगवान नहीं है तो तुम कैसे यहाँ पे आए। आज उनका एक वर्ड था, सूत्र याद रहे, भगवान नहीं है तो आप मेरे पास आओ, भगवान नहीं है तो तुम कैसे आए, भगवान नहीं है तो तुम कैसे आए, तो भगवान है, भगवान खुद चल के आज यहाँ पे आए गांधीधाम कच्छ में। धन्यवाद, जय जय सियाराम। जय सियाराम।